हेलो हेलो, जी, नमस्ते मैडम, नमस्ते। सलाम वालेकुम जी। आप मोमिन है या नॉन मोमिन है? मोमिना? मैं एक्स मुस्लिम हूँ, सो ओ मुझे माशाल्लाह, सलाम आपका का जवाब कॉन्फिडेंस देने का बहुत बिल्कुल शौक नहीं है। है। जी, खैर, अरे आप डेंजर मोमिन के डेंजर ख्याल एक्स से आप मुस्लिम एंजल जी से बात मैं कीजिए पहले। बहुत बहुत देर से वेट कर रही थी, स्पेशली दैट गाय जो अपने मॉम और बहन को भी बेचने के लिए तैयार हो हाँ, गया था। ऐसे तो बहुत से हैं। मेरा बीपी लिटरली शूट कर गया उसको सुन के, एंड आई वाज मेरा भी लाइक कर आज तो मैं गया बोल कर ही जाऊंगी। था। लाइक नहीं, लेकिन इन लोग प्रीटी को वुमन जी ने तभी मोरालिटी, तभी का तभी प्रीटी वुमन जी ने तभी का तभी बोल दिया था उनको कि तुम तो क्या बोले थे प्रीटी वुमन जी, तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो, शर्म आनी चाहिए तुमको अपने हाँ इंसान होने पर। बिल्कुल। जी इंसान को मोरालिटी के लिए स्क्रिप्चर्स चाहिए, मतलब झूठ नहीं बोलना है, किसी का रेप नहीं करना है, किसी का हराम का नहीं खाना है, ये सब बोलने के लिए इनको कुरान चाहिए। मतलब दिमाग है खुद कि की नहीं, अकल ही और नहीं है। एक सोसाइटी, हाँ, और सोसाइटी में लॉज होते हैं उनको फॉलो करो, दिमाग में जो ठीक लग रहा है वो करो ना। सही। और ऊपर तो से तू बिलीवर इन अलमाइटी जी, थोड़ा हम कायदे से चलते ताकि आपकी बात भी लोगों तक पहुंचे। ये बताइए कि आप एक्स मुस्लिम हुई कब? इसी साल अराउंड मई, शायद मई अच्छा, ट्वेंटी इसी ट्वेंटी साल में। नई नई हाँ एक्स मुस्लिमा है ये, और कुछ वजह बता सकती है, कुछ मेजर वजह, ताकि जो मैंने बाकी लोग तो हमारी गली मोमिना देखकर, सुन रही होंगी। जी मैं तो ज्यादा अंदर गई नहीं, मैंने गली देखकर ही समझ लिया ये घर में जाने लायक नहीं है। सो बेसिकली मैं तो बहुत पहले ज्यादा मुस्लिम फॉलो फैमिली से नहीं नहीं थे करती आप? हूँ। नो, मैं बहुत कट्टर फैमिली से हूँ, नहीं, मैं मुस्लिम फैमिली बिल्कुल से ही है फॉलो ना। नहीं कर, हाँ मुस्लिम बहुत कट्टर, ठीक है, बट क्योंकि मैंने कभी कुछ फॉलो नहीं किया था, बट हाँ हमेशा ये रहता है कि करना चाहिए, आई विल स्टार्ट नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट ईयर से। तो मैंने सोचा थोड़ा रीड करते हैं, समझते हैं, ठीक है, क्योंकि अरबी तो समझ आती नहीं है बहुत, बट कुछ समझता नहीं, वो अलग बात। फिर उसको इंग्लिश में समझा, देन जो भी कुछ समझा उसे समझ में आया कि ये बहुत ही बकवास है, स्पेशली सेक्स स्लेवरी। देन वो जैनब वाला चीज तो लास्ट था, जिस दिन आई लेफ्ट इट, आई गॉट, आई वेंट टू माय फ्रेंड एंड आई वाज लाइक, ये महा चूतिया इंसान है जो 1400 साल पहले आया और पूरा वाट लगाकर चला गया, एंड वो भी बहुत शौक था, बट मैंने तो उसी वक्त छोड़ दिया। मैंने ज्यादा डीप जाने की भी कोशिश नहीं की, मुझे कुछ बुरा लग रहा था उस टाइम के, पता नहीं व्हाट आई एम डूइंग, जहन्नम हुआ भी असली में तो क्या होगा, देन आई थॉट कि अगर जहन्नम हुआ भी तो इससे बुरा तो नहीं हो सकता है, हाँ जहां पर बिल्कुल, आप उससे आगे इंसान क्या जाएगा। एक, हाँ एनीवेज जहन्नम जन्नत सब दुनिया में ही आपके माइंड सेट पे है। फिर सही सही सेक्स बात है, ये पूरा जहनों का स्लेवरी खेल तो है। मतलब वो ही सबसे बड़ा जहन्नम तो वही है, तुम अपने आप के साथ भी बहुत गलत कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट यू आर डूइंग वेरी बैड टू योर सोल एटलीस्ट। अच्छा मैं अथीस्ट हूँ अभी, आई डोंट नो मैं मुझे क्या बोल सकते हैं, मैं स्टिल बिलीव करती हूँ कि देर इज सम गॉड, कॉल इट अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जो बोलना है बोलो, बट मैं किसी रिलीजन को नहीं मानती हूँ। आपकी फैमिली को काइंड ऑफ पता, सॉरी मेरी, आपकी यस फैमिली यू जानती कैन है इस से, बारे में? नो नो नो, नॉट एट ऑल। हाँ, मेरी फैमिली जानेगी तो मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही होती अभी। देखा, यही तो सच्चाई है। सही, और कैसा लग रहा है आपको? पहले कैसा लगता था बाहर और अब निकल कैसा कर लगता है, क्या डिफरेंस है? बहुत लाइट फील होता है, एक तो आप जब छोड़ते हो ना आप बहुत शांत हो जाते हो, हाँ वो बिल्कुल, झगड़ा करना है, डिफेंड, जब आप ऐसी चीज डिफेंड करो जो डिफेंड नहीं हो सकती है, देन यू, आप एकदम रेस्टलेस हो, देन यू आर लाइक कैसे डिफेंड करना है, कैसे डिफेंड करना है, फिर आप गुस्सा होते हो, झल्लाते हो सामने वाले को, पर्सनल अटैक करते हो, वंस यू लीव इट, इतना रिलीफ होता है ना, मतलब हाँ, इससे पहले जो आए थे जो बोल रहे थे कि इसके बाद आई विल गेट इसके बाद एम्प्टी, क्या होगा। वो हाँ हाँ, आप एकदम, यू विल बी फुल एट हार्ट, हाँ
क्योंकि आप अपने कॉन्शियसली आप सोचोगे आपको सही लग रहा है गलत लग रहा है उस हिसाब से आप करोगे। जस्ट बिकॉज लिख दिया है ये सही है इसलिए गलत को भी सही प्रूफ करने के चक्कर में आप शांति भी नहीं रहती आपके पास। अच्छा दीदी, यार आप नमाज वगैरह भी ये पढ़ते घर मौत पे? साजिद भाई, ये मोहतरम लानत भेज रहे हो मुझ पे कि क्यों हमारी औरतें जो है वो इस्लाम छोड़ के निकल रही है लानत हो आईब्रो ये बनाने मुझे भी वाले पे, गालियां दे लानत हो रहा औजार रखने वालों पे, लानत हो गिरगिट पे, लानत हो सब पे। था। मतलब आपको सिर्फ लानत का लानती बोल रहा है, ऐसा मुझे गालियां दे रहा था। अच्छा रोहन सिंह भाई हमारे ये बहुत मस्त प्यारे गाते भाई हैं है, कह यार। रहे हैं भाई भाई आज मेरे सुपर चार्ज नहीं पड़ रहा। रोहन भाई आई एम रियली सॉरी यार, मैं डिस्कशन में जब एकदम डूब जाता हूँ ना तो फिर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आपके जो अगले सुपर चैट्स आएंगे या नॉर्मल कमेंट भी अगर आपका आएगा तो मैं ले लूंगा। आपका बहुत शुक्रिया रोहन भाई। अमित अमृत तिवारी कह रहे हैं भाई चेक कर लो ये मोमिना थी या नहीं। अच्छा चले ये भी कर लेते हैं, तो हमारी बिलीवर इन अलमाइटी जी, आपको जब आप मोमिना थी तो जाहिर सी बात है कम से कम नमाज वमाज तो पढ़ती होंगी आप, तो कुछ सूरे मैं वीरे याद सूरे किए थे पता, या एकदम हाँ ही? सूरे याद है, नमाज नहीं पढ़ी कभी तो नमाज पढ़ी नहीं कभी कौन सी सूरे सुननी। ट्राई किया था सीखने के कोई लिए, फिर भी लगा कि हाथ ऐसे हो पैर ऐसे हो उससे क्या फर्क पड़ता है किसी को। अच्छा मैं अपने कोई मर्जी भी से सूरा सुनाइए। जहां अलहम्दो सुना दूं। सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलाज़्ज़ालीन आमीन आमीन। माशाल्लाह आमीन। टेस्ट पास हो गया है। अब गुलाब लुकास बनता है लुकास भाई, जी कह अब रही गुलाब हैं, बनता है। हाँ गुलाब 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 लुकास जी कह रही हैं आई टोटली अग्री विथ यू सिस्टर, वंस यू आउट यू फील नो प्रेशर, हिम्मत करके निकल जाओ यू विल बी मेंटली हैप्पी। बिल्कुल सही बात हाँ है। और ये हमारे व्हाइट लोटस भाई आए हैं, टू हुज हु से विदाउट इस्लाम एथियस्ट वन कैन मैरी डॉटर मदर एक्सेट्रा, ए डॉटर सीज फादर फील्स सेंसुअलिटी बट कंट्रोल्स हरसेल्फ और शी नेवर फील्स लस्ट वेन एवर शी सीज हर फादर। बिल्कुल। और हमारे रोहन भाई ने भी कुछ भेजा है हमारे लिए। रोहन भाई कह रहे साहिल आज पापा रंजीत लग रहे हो आज पापा रंजीत लग रहे हो, पापा रंजीत सीज बेब सेज बेबी 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 सन सेज पापा ये आपकी बहू है, पापा रंजीत सेज बेटी 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 सेम सिचुएशन आवर डियर एमओ सेज बेटा तुम मम्मी बोलो जी बिलीवर जी और क्या कहेंगी आप? रंजीत, अच्छा मैं साहिल भाई से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि 1400 सालों में जितनी गालियां अबू लहब और अबू जहल को नहीं मिली होंगी उससे कई ज्यादा गालियां हम सबको पड़ चुकी हैं, बहुत और बहुत खास तौर बहुत। से आपको साहिल भाई मोमिनों की तरफ से। अरे अरे रे रे रे, मैं तो एक वो ऐसा हो गया उनका कि यही सबको गुमराह कर रहा है और धड़ल्ले से निकालते जा रहा है, और हमारी जो मोमिना है वो छुप छुपा के इसके स्ट्रीम में आके स्टोरी बताती है तब ज्यादा आग लगती है, तब ज्यादा आग लगती है। तो भाई एक्स मुस्लिम अब्दुल कह रहे लव यू साहिल भाई फ्रॉम ऑल मोमिनून चैनल। बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई आपका, और एक सुपर स्टिकर भी आया है। मुझे भी जहन्नम में ढकेलने का सबसे बड़ा श्रेय आपको जाता है महोदय, उसका तहे दिल से मैं ममनून हूँ, मशहूर थिकमैन गेमिंग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिलीवर इन ऑलमाइटी जी और कुछ कहेंगी आप? उसके बाद हम एक दो कॉलर्स लेके फिर स्ट्रीम नहीं। क्लोज कर लेंगे क्योंकि एक ऑलरेडी बज चुके नो हैं नो आई विल लीव नाउ। जी। जस्ट लाइक आई एम ट्राइंग सिंस लास्ट 2-3 आवर्स टू ज्वाइन हाँ वो नहीं एंड मिल पाता मौका, बहुत सारे एंड लोग होते हैं ना। लिसनिंग टू देम, लाइक इन लोगों को सुनना भी इतना टॉर्चरस है ना, मैं छोड़ देती हूँ फिर आती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ फिर आती हूँ कि नहीं सुनना है इनको, इतना घटिया सोच है इनका। एनीवेज ओ मैं बाप रे बाप, लीव कर रही हूँ अभी। थैंक यू सो मच एंड साहिल यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। थैंक यू बहुत थैंक शुक्रिया। यू बाय। सो प्लीज सब सब करा सरा कबर सबर कराए सरा सरा कब व्हाटएवर